प्यारे बच्चों, नए सत्र 2021 20 और 21 के लिए हम अपना जो पाठ लेकर के आए हैं हिंदी विषय से, पहला पाठ इसमें राजस्थान की झांकी चित्र वर्णन है। इस पाठ्यपुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में कुछ महिलाएं सिर पर मटकी लिए जा रही हैं और दो महिलाएं पानी भर रही हैं। इसमें ऊंट पर सवारी दिखाया गया है और एक कैक्टस का इसमें पौधा दिख रहा है। ये सब चित्र को देखकर और बच्चों को इसके बगल में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर देना है। तो पहले हम चित्र का वर्णन कर दें। इसमें चार महिलाएं सिर पर मटकी लिए हुए जा रही हैं, दो महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही हैं, दो ऊंट कुएं के बगल में बैठे हैं, एक ऊंट पर एक महिला और दो बच्चे बैठे हैं, आगे आगे एक युवक जो है उस ऊंट की डोरी पकड़े हुए चल रहा है, उसके बगल में एक कैक्टस का पौधा है और पीछे कुछ छोटे छोटे मकान हैं। तो इन चित्रों को देखकर हमें कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले राजस्थान के बारे में कुछ जानें। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है और यह मरुस्थल रेगिस्तान जिसको कहते हैं, रेगिस्तान वहाँ बनता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ पेड़ पौधों के नाम पर बबूल, झरबेरियाँ, खजूर, ताड़ जैसे पौधे और पेड़ पाए जाते हैं और सारा वीरान दिखता है और जहाँ पानी का साधन है, आज तो वहाँ इंदिरा गांधी ने एक नहर निकाला है, उस नहर के आसपास हरियाली फैली हुई है और लेकिन बहुत कठिन जीवन वहाँ के लोग जीते हैं और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसीलिए कि ऊंट जो है उस रेत में चलने में सक्षम होता है और बिना पानी पिए वो कई दिनों तक रह सकता है। तो अब हम इस चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, दर्शाया गया चित्र भारत के किस राज्य का है? तो हम इस पाठ के शीर्षक से ही समझ गए हैं कि राजस्थान की झांकी यानी यह राजस्थान है। और दूसरा प्रश्न है, चित्र में औरतों और पुरुषों का पहनावा क्या है? औरतें लहंगा और ओढ़नी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी बांधते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे आगे वाली स्त्री ने अपने सिर पर कितनी मटकी रखी है? तो सबसे आगे जो चल रही है महिला, उसके सिर पर दो मटकियां हैं। चौथा प्रश्न है, स्त्रियां जहां पर पानी भर रही हैं उस जल स्रोत का क्या नाम है? उसे हम कुआं कहते हैं। कुआं जो है जमीन खोदकर उसमें पक्की दीवारें गोल बना दी जाती है और उसमें से पानी बाल्टी या अन्य बर्तनों के माध्यम से हम रस्सी के माध्यम से निकालते हैं। उसमें चरखी लगी हुई है, चक्की से के माध्यम से उस डोर को खींचा जाता है, पानी ऊपर आने पर उस पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसको कहते हैं कुआं। बाकी पांचवा प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए पौधे का नाम लिखिए। उस पौधे का नाम है कैक्टस, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं नागफनी। नागफनी जहाँ पेड़ पौधे को पानी कम मिलता है तो उनकी पत्तियाँ कांटों में तब्दील हो जाती हैं और वह पानी को अब्जर्व रखती हैं, इसलिए वहाँ कटीले पौधे पाए जाते हैं, उसी में से एक प्रजाति है नागफनी। तो बच्चों, बाकी के प्रश्न जो हैं, इसमें प्रश्न 10 हैं, तो 5 प्रश्नों का उत्तर तो मैंने बता दिया, बाकी के 5 प्रश्न के उत्तर बच्चे खुद प्रयास करेंगे और उत्तर लिखेंगे और साथ ही सुलेख लिखने का भी काम करेंगे सुंदर अक्षरों में। दैट्स ऑल, थैंक यू।